बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज जो है मैं आपके साथ काइनेमेटिक्स यानी ये जो काइनेमेटिक्स चैप्टर है, चैप्टर नंबर कौन सा है हमारे पास, 2। सही है, चैप्टर नंबर 2 आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ इसका इंट्रो। और इंशाल्लाह ताला जो है अब इससे इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो आपको पूरी जो है वो सीरीज में इसकी चैप्टर की फिजिक्स की इंशाल्लाह ताला आपको मिल जाएंगी इंट्रो के साथ। चैप्टर 2 फिर चैप्टर 3 इस तरीके से हम देन कवर करते हुए चलेंगे। सही है, अगर आपको कुछ और भी मसला हो या कोई और टॉपिक या कुछ भी आपको मसला, तो आप जो है लाजमी कमेंट कर लें और कमेंट करके मुझे लाजमी बताएं कि ये मसला है या ये प्रॉब्लम है। अगर आपको अच्छी लगी तो लाजमी आप जो है बताएं और हमें जो है वो शेयर करें। सही है, तो हमारी जो है ये आज की वीडियो किस पे, काइनेमेटिक्स पे। सही है, सबसे पहले आपको ये समझने के लिए आपको थोड़ा सा जो है वो माइंड मैप या अगर बोलूँ थोड़ा सा रिविज़न या थोड़ी सी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है, जो कि आपको इस टॉपिक से पढ़ने से पहले आपको ये चीज़ें आपको पता होंगी सारी बातें, लेकिन फिज़िक्स के लॉ से और फिज़िक्स के लिहाज से आपको पता होनी चाहिए कि ये क्या चीज़ थी, और इस तरीके से थोड़ा सा रिवीजन होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपका क्या है, बी। सही है, ये पॉइंट ए है, ये बी है। अब अगर आप इसको जाने के दो रास्ते हैं, एक तो डायरेक्ट रास्ता ये है कि मैं यहाँ से यहाँ पे चल जाऊँ, समझो ये ए घर, ए जो है ना समझो ये मेरा घर है और ये मेरी फ्रेंड का घर है। सही है, मेरी दोस्त का घर है, मुझे अपने दोस्त के घर जाना है। तो या तो मेरा एक रास्ता है कि मैं सीधा सीधा यूँ चली जाऊँ, या अब मेरी मर्ज़ी कि मैं यूँ जाऊँ फिर 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 यूँ जाने के बाद यूँ जाऊँ, मेरी मर्ज़ी है। मेरे पास दो रास्ते हैं, तो मैं डायरेक्ट पहुँच जाऊँ यहाँ पर, और अगर मैं यूँ करके पहुँच जाऊँ, ये दो रास्ते हैं। अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट पर बिल्कुल एग्जैक्ट, मैंने बताया मैं यहाँ से यहाँ पे जा रही हूँ और मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट वही करा, मैं ना ही बीच में कहीं रुकी, ना ही मैंने कोई और काम करा, मैं यहाँ से गई और यहाँ पे डायरेक्ट रुक गई फ़ौरन, यानी कि फ़ौरन मैंने कुछ और मैंने ना इधर करना है मैंने ना उधर करना है, मैंने कोई काम ही नहीं करना है, मैंने बस ये काम करना है। मेरी ज़िंदगी का पहला और आखिरी काम क्या था, नहीं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे क्या करना है, अपना काम करना, यानी यहाँ से ट्रैवलिंग करनी है। तो इस चीज़ को कहेंगे ये बिल्कुल बच्चा अच्छा है और ये जो है बिल्कुल अपने काम से काम रखने की कोई मतलब नहीं है, तो इसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। हम इसे क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो है डिस्टेंस को कवर करना क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। डी आई एस डिस्प्लेसमेंट। सही है, ये डिस्प्लेसमेंट डेफिनेशन है। अ बॉडी कवर वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ट्रेवल वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। सही है, एक ऐसी डिस्प्लेसमेंट के बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक, कहीं और उसको गया नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन डिस्टेंस, अब डिस्टेंस भी यही है, डिस्टेंस में भी आपने जो है वो करना है, लेकिन वो क्या है आप कहीं से भी घूमते हुए आओ, यूँ 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 पूरे सफ़र वक़र से आओ फिर वहाँ पे पहुँचो, वो यानी कि आप पूरे दरिया में घूम कर आ गए और फिर उसके बाद जाके आपने बोला चलो हम ये भी चलो ये काम भी कर ले, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है। हमने यहाँ से यहाँ तक फ़ौरन क्या करा, डिस्प्लेसमेंट करा, मैं यहाँ से कहीं से भी घूम कर आ जाऊँ हमारे घर का डिस्टेंस हुआ। अब उसके बाद हमारे पास ये काइनेमेटिक्स, जो काइनेमेटिक्स के अंदर और जो आती है ना चीज़ें, वो हमारे पास सबसे ज़्यादा है मोशन और रेस्ट। सही है, अब मोशन और रेस्ट में क्या फ़र्क है, मोशन यानी कि एक बंदा हरकत कर रहा है यानी कि अपना काम कर रहा है वो मुस्तकिल, अगर फिजिक्स के लॉ से देखें तो उसमें क्या क्या, अगर एक बंदा हरकत नहीं कर रहा है रेस्ट के अंदर है, जो बॉडी रेस्ट में है स्टेशनरी है या स्टॉप है, रेस्ट में है स्टेशनरी है या स्टॉप है, ये तीन चीज़ों के अंदर एक बॉडी पाई जाती है, तो उसकी कौन वो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो सबसे पहले कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट होगी यानी कि ज़ीरो होगी, ज़ीरो वेलोसिटी होगी उसकी। उसके बाद उसके अंदर ना कोई इनिशियल वेलोसिटी होगी ना ही फाइनल वेलोसिटी होगी, इनिशियल यानी कि शुरुआत की वेलोसिटी और फाइनल यानी कि लास्ट की वेलोसिटी, जाहिर सी बात है जब बॉडी शुरू ही नहीं हुई है तो ख़त्म कहाँ से होगी, ना ही उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी ना ही फाइनल वेलोसिटी होगी। एक बॉडी एक बंदा ही रेस्ट में है, ना ये डिस्टेंस कवर कर रहा है क्योंकि ये रेस्ट में, ना ही ये हिल रहा है, ना ही ये कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है, ना लीनियर मोशन कर रहा है, कोई मोशन नहीं कर रहा क्योंकि क्या है ये बॉडी क्या है रेस्ट के अंदर है। सॉरी, अब मैं एक बात बोलूं कि अब ये हिल रही है, मुस्तकिल हिल रही है, यूँ 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 करिए मैं इसे हिला रही हूँ, तो क्या हुआ ये मैंने इसे जब फोर्स लगाई, सबसे पहले इस पर कौन सी ताकत अप्लाई हुई, फोर्स, मैंने इसे फोर्स लगाई, इसने क्या करा ये हिला,
सबसे पहले क्या हुआ, हिला। ये हिलने के बाद इसने क्या करा, एक डिस्टेंस कवर करा। जब मैं यूं करके करा तो इसने कोई ना कोई अमाउंट डिस्टेंस कवर करा। अब डिस्टेंस के साथ इसने क्या करा, इसने जो डिस्टेंस कवर करा वो एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर भी तो करा होगा ना। यहाँ पे मैंने यूं करके यूं से धक्का दिया तो एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्ट हो रही है, फोर्स, फिर हमारे पास मैंने सेकंड बोला डिस्टेंस, फिर टाइम। अब इसने जो है स्टार्टिंग पॉइंट जब मैंने यूं करा, अब इसकी ये इनिशियल वेलोसिटी थी, फिर ये रुका, वो उसकी फाइनल वेलोसिटी थी। दो वेलोसिटीज हो गई। सबसे पहले क्या हुआ, डिस्टेंस, टाइम, फिर हमारे पास क्या था, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, सही। अब उसके बाद कोई ना कोई हम मैंने जो है इस पर फोर्स एक्ट भी करी और जो है ये इस अच्छा अब ये था, मैंने इसे जब धक्का दिया तो ये सीधा ही क्यों गया, मैंने जब इसे धक्का लगाया तो ये अंदर क्यों नहीं गड़ गया, ये मैंने जब इसे धक्का लगाया तो ऊपर ही क्यों गया, ये सीधा ही क्यों गया जब मैंने इसे धक्का लगाया। तो ये कुछ जो चीज़ें होती हैं वो मोशन के अंदर लग रही होती हैं, क्यों लग रही होती हैं, किस वजह से लग रही होती हैं, क्या चीज़ एक्ट कर रही होती हैं, ये सब आप जो है आज की फिज़िक्स के अंदर पढ़ लेंगे। तो फिज़िक्स जो काइनेमेटिक्स है ना, काइनेमेटिक्स का वर्ड काइनीमा से निकला है, जो कि ग्रीक वर्ड है, ग्रीक यानी कि लतीन वर्ड का है, ग्रीक वर्ड है, सही है। तो लतीन ज़बान होती है, तो वहाँ उससे निकला है। काइनेमेटिक इज़ द ब्रांच ऑफ मकैनिज़म, ये ब्रांच है एक मकैनिज़म्स की, मकैनिज़म किसकी ब्रांच है, फिज़िक्स की ब्रांच है। तो फिज़िक्स ने जो है अपनी ब्रांचेस को भी सब ब्रांचेस के अंदर जो है क्या कर दिया, तोड़ दिया है, बिल्कुल ब्रेक कर दिया है। अब फिज़िक्स की ब्रांच काइनेमिक्स है, जो कि डील करती है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इनके ऑब्जेक्ट की मोशन से, विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स विच कॉज मोशन। और जो है कैन और अगर जो उस पर फोर्स लग रही होती है विद द रेफरेंस और प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फोर्स, तो शायद फोर्स लग रही हो या फोर्स नहीं लग रही हो, लेकिन अगर बॉडी मोशन कर रही है तो वो क्या कहलाती है, काइनेमेटिक्स। अब ये हमारे पास आ गया, बॉडी इज टू बी रेस्ट इफ डजंट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, वो अपने सराउंडिंग के इर्द गिर्द के लिहाज से अगर कोई चेंजेस नहीं कर रही हो, ना कोई पोजीशन कवर कर रही हो, ना ही डिस्टेंस कवर कर रही हो, ना एक्सीलरेशन फोर्स लग रही हो, तो वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास रेस्ट में बॉडी, वो क्योंकि कोई डिस्टेंस कवर नहीं करी। अगर हम बात करें मोशन की तो ये बिल्कुल डिजन के बताए क्या आ जाएगा, इट डस चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स टाइम, सही है, या इट चेंज इट्स पोजीशन इफ इट्स चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। तो ये आ गई हमें किसकी, रेस्ट की आ गई और मोशन की आई हो गई। आई होप आपके ये दोनों टॉपिक्स जो है वो क्लियर हो चुके होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम टाइप्स ऑफ मोशन यानी कि ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन के सब एग्जांपल्स और उसकी डेफिनेशन को क्लियरली चलते हुए जो है वो आपको समझाएंगे और आपके तमाम कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह ताला क्लियर करेंगे। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।